पूरे देश से लॉकडाउन खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी लोगों की निगाहें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर है। सभी लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री दूसरे फेज में क्या करने वाले हैं। तो हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आखिर सरकार किस क्षेत्र में कितनी छूट दे सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार सबसे पहले फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत ना हो इस बात को सुनिश्चित करेगी और लोगों को रेड और ऑरेंज जोन में भी सब्जियां घर तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ सरकार मछली उद्योग को भी छूट दे सकती है। अर्थव्यवस्था और कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को भी खोल सकती है, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियां शामिल हो सकती हैं। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सड़क की रेहड़ी पटरी, मोबाइल इलेक्ट्रिक रिपेयर की दुकान, धोबी, मोची, प्रेस वाला आदि को काम करने की इजाजत दे सकती है। कुछ सूत्रों की माने तो सरकार मेट्रो शहरों को बढ़े लॉकडाउन में छूट देने के मूड में नहीं है, जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, गुड़गांव, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार यहां पर कोई नई छूट नहीं देगी। अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। सरकार दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल खत्म करने के मूड में नहीं है। यहां पर हम आपको बता दें कि 2 मार्च को दिल्ली में पहला केस मिला था, उसके बाद अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो गई है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 43 इलाके सील किए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में थोड़ी बहुत ढील मिलती भी है तो इन 43 इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों पर लागू हो सकती है। इसके लिए सरकार ऑड इवन की तर्ज पर सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही की इजाजत भी दे सकती है, लेकिन ये अनुमान है, सरकार का फैसला नहीं। और ये सारी बातें मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठी थी, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। लेकिन ये सभी बातें अनुमान है। सरकार क्या फैसला लेगी ये तो प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन में ही पता चलेगा।